जयपुर रेलवे स्टेशन के रनिंग रूम में लोको पायलट के लिए दी गई सुविधाओं के समर्थन में अब यूनियन के अधिकारी आ गए हैं। उन्होंने सुविधाओं का समर्थन किया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने रनिंग रूम में टॉयलेट, फूड, मसाजर और कंप्यूटर लगाए जाने को लेकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे गलत है और उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारा लोको ड्राइवर और ट्रेन मैनेजर कठिन परिस्थिति में दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ ऐसा होना दुखद है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भाग्यवश रेलवे की इमेज को खराब कर रही है। देखिए, रनिंग रूम के बारे में आज दिन में टेलीग्राफ ने एक खबर छापी और उसके बाद में राजनीतिक तौर पर, जैसा कि इस एक्सीडेंट के बाद में मैंने देखा है कि बजाय इसके कि लोग जो आहत हुए हैं, जो मरे हैं, उनके प्रति संवेदना जताएं, लोग जो है वो राजनीतिक दुर्भावनावश जो है वो रेलवे को, रेलवे के कर्मचारियों को एक्यूज करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने रिपोर्ट में जैसा देखा है और दूसरे लोगों के ट्वीट्स भी देखे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो रनिंग रूम है, खासतौर पर उन्होंने जयपुर के रनिंग रूम का हवाला दिया है कि वहां पर फुट मसाजर लगाया गया है, वहां पर जो है वो क्राकरी यूज की जा रही है, वहां पर जो है यूटेंसिल्स जो है वो नए लिए जा रहे हैं, उनके टॉयलेट्स को बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी निंदनीय चीजें हैं। हमारा लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर दिन रात मेहनत करके किस तरीके की हालात में गाड़ियां चलाता है और किस तरीके से वो देश भर में हम लोग गाड़ियां दौड़ाने का काम कर रहे हैं। हम इस दुर्घटना से बहुत हतप्रभ हैं और कोशिश कर रहे हैं उभरने की, लेकिन राजनीतिक तरीके से हमको डिमोरलाइज किया जा रहा है। हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरीके की जो राजनीति कर रहे हैं देश में लोग, हम समझते हैं लोग उनको माफ करने का काम नहीं करेंगे।